Welcome to Jordan here. Welcome to the best view in Petra. तो ये रहा हमारा ड्रीम्स, और ड्रीम जब देखा तो उसको पूरा करने में लग गए, क्योंकि वो ड्रीम मेरा था। और ड्रीम देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कलाम सर ने ये भी कहा है, ड्रीम देखो लेकिन फिर उसको पूरा करने के लिए, और ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो आपको सोना ना। ड्रीम बनाया तो बना लिया, डिटर्मिनेशन किया तो किया। बहुत सुना है कि पेट्रा बहुत खूबसूरत है, और मैं यहाँ पे मिला अपने फ्रेंड मोहम्मद को यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे लेके आया हाइट पे। बहुत एंजॉय किया मोहम्मद के साथ, और आगे बढ़ते मोहम्मद के साथ, देखते हैं पेट्रा ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पे जॉर्डन में इतनी ठंड है, और कहते हैं, मुझे मोहम्मद ने बताया कि 6 महीने यहाँ ठंड रहती है और 6 महीने गर्मी होता है। इतना डिफरेंट क्लाइमेट, और वो भी एक डेजर्ट के बीच में, ये बहुत यूनिक है। मोहम्मद को भी आपके साथ कुछ शेयर करना है, मोहम्मद बताएगा आपको। वेलकम टू जॉर्डन हियर, वेलकम टू द बेस्ट व्यू इन पेट्रा। थैंक यू। हम पहुंचे हैं सामने, और पेट्रा के सामने एक बहुत स्टीप माउंटेन था, और स्टीप माउंटेन को क्लाइंब करने के बाद सामने हमें दिखा पेट्रा इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया से। और ये माउंटेन बहुत स्टीप से और बहुत स्लो है। शायद नेफर्टियन ने इसीलिए इस जगह को सिलेक्ट किया, ऐसी जगह को सिलेक्ट किया क्योंकि एक माउंटेन के सामने दूसरा माउंटेन होता है और चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इतने प्रॉब्लम को फेस करने के बाद यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा व्यू मिलेगा, ऐसा शॉट मिलेगा, शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा पेट्रा को आप निहार सकते हैं, क्योंकि अब आप ट्रेजरी के ऊपर आ गए और ऊपर से पूरा का पूरा ट्रेजरी व्यू कर सकते हैं। पूरा का पूरा ट्रेजरी बहुत स्टीप माउंटेंस के बीच में घिरा हुआ है, बहुत सेफली था। नेपोटियन ने इसीलिए सेलेक्ट किया कि ट्रेजरी यहाँ बनाइए, क्योंकि यहाँ पर इन्विट करना बहुत मुश्किल था। जब बगल में होता है आपके पेट्रा, और हाइट पे आप आगे बढ़ते जाते हैं, रियली बहुत खूबसूरत लग रहा है, और रियली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नेपोटियन ने बहुत समझदारी किया यहाँ पे। उन लोगों ने इस पूरे डेजर्ट्स में पानी का दिक्कत बहुत ज़्यादा था, तो उन लोगों ने बिल्कुल काट काट करके रास्ता बनाया ताकि पानी को कलेक्ट कर पाएँ, और विंटर उनके लिए सबसे अच्छा टाइम था जब भी कलेक्ट करने के लिए वाटर के लिए, और वो विंटर का पानी लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते थे। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग लगाया और यहाँ पे फाउंटेन्स भी लगाए डेजर्ट्स में, और ना कि सिर्फ रोजी इलाका बनाया इनको लस्टी ग्रीन एरिया बनाया, और बहुत खूबसूरत में कन्वर्ट हुआ। शायद यही रीज़न था कि अदर कंट्रीज़ के लोग, जो इजिप्शियन थे, पर्शियन थे, और अदर कंट्रीज़ के मिडल ईस्ट के लोग थे, वो इसको यहाँ पे पेट्रा पे टाइम गुजारने के लिए आते थे। और प्लस एक बिजनेस का हब था पेट्रा, और यहाँ से ट्रेड डाइवर्ट होता था मल्टीपल कंट्रीज में। शायद वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की कमेटी ने इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज ऑफ इस कम्प्लीटली यूनिकनेस, बहुत अलग तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से बना। धीरे धीरे पेट्रा की जो पॉपुलैरिटी थी यहाँ की, से माउंटेंस की पॉपुलैरिटी थी, यहाँ से खूबसूरती की पॉपुलैरिटी थी, पूरी वर्ल्ड में पहुँचा, और लोग इसकी अहमियत को बहुत अच्छे से बढ़ाए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट और भी जगह है यहाँ पे। थिएटर्स है, अदर सेक्शंस ऑफ टेम्पल्स हैं, टूम्स है, और अलग प्लेसेस हैं जो कि पेट्रा में और मशहूर है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करो, और पहली बार मिले हो तो सब्सक्राइब करो, और फिर आगे बढ़ते हैं अपने इस अनदर प्रयास को, और बढ़ते रहते हैं। चलो आगे।